कि वो हर चीज के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, भले ही वो टाइम टेबल हो, भले ही वो होमवर्क का हो, भले ही वो स्कूल का हो, भले ही वो नोट्स का बनाना हो, ये सारी चीजों पे वो स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और होता क्या है, कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी लॉन्ग टर्म की बन नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैं 2 घंटे की क्लास लूं फिजिक्स, और हो सकता है केमिस्ट्री वाले हमारे जो फैकल्टी हैं वो 2 घंटे की क्लास लें, या फिर मैथ्स वाले, राइट। आपके दिन में हो सकता है 2 क्लास हो या 3 क्लास हो, ये हमारे पास मैं मान लेता हूँ 4-5 आवर्स हमने आपसे ले लिए पढ़ाने के लिए। रिमेनिंग 20 आवर्स जो आपके अप्रोक्सीमेटली बचते हैं आपके दिन के, आपको उन आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप ये रिलाय करते हैं कि क्लास में पढ़ाया हुआ जो भी चीज है वही बस है, क्लास में सुन लिया इज मोर देन सफिशिएंट, देन यू आर रॉन्ग, और आप हो सकता है गलत रास्ते पर भी है कि ये हमारे पास प्रिपरेशन आसान कर देगा। नहीं, आपके जो 20 घंटे जो आपके पास है उसको आप कितना फ्रूटफुली यूज करते हैं और कितना रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं वो मैटर करता है। क्योंकि जो पूरा गेम है अगर आप देखें तो सीट हमारे पास लिमिटेड है, और जो बच्चे बहुत पेशेंस के साथ इस लिमिटेड सीट के लिए लड़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। डोंट मेक इट वेरी मच कॉम्प्लेक्स। हमारे पास इतना हाइप है कि जेई में ये है, जेई में वो है, मैं कोई चीज को मना नहीं करूंगा या कोई चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि जेई टफ है या आसान है। टफ होगा उसके लिए कि जिसने मेहनत ही नहीं करी, और आसान उसके लिए हो जाएगा जिसने निरंतर प्रयास करा। सिंपल सी बात। तो कौन सी चीज है इस ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्ल्ड में जो आपकी इस प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स बना सकती है, और आपको उस पर ध्यान रखना है कि ये आप नहीं करें, ओवर स्ट्रेटजी मेकिंग। हम लोगों ने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हर चीज के ऊपर स्ट्रेटजी बनाते हैं, भले ही वो टाइम टेबल हो, भले ही वो होमवर्क का हो, भले ही वो स्कूल का हो, भले ही वो नोट्स का बनाना हो, ये सारी चीजों पे वो स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाते हैं। और होता क्या है कि कोई भी स्ट्रेटजी आपकी लॉन्ग टर्म की बन नहीं सकती, रीजन बीइंग यू डोंट नो कि कल क्या आने वाला है। कल अगर आपकी तबियत खराब होती है तो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, एंड फिर आप दोबारा से नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, एंड बैक टू द स्क्वायर वन, आप फिर से स्टार्ट करते हैं। That is a wrong way. आपको बेसिक मेथड जो हम लोग बता रहे हैं कि चुपचाप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास में खत्म करिए, उसके ऊपर जो डीपीपी दी जा रही है उसको आप आराम से सॉल्व करिए और आराम से आप रेस्ट करिए। बस बेसिक अगर रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू मेक मेनी स्ट्रेटजीज टू कवर फॉर द सिलेबस। जब मैं बहुत थक हार गया तो मैंने आखिरी वाले एक अंकल थे, वो पुलिस में उनका वो था, पुलिस में उनकी जॉब थी, तो मैंने कहा अंकल देखो हम ना थोड़े से फेमस हैं, यूट्यूब पे आप डालोगे ना हमारा